इस बार सॉलिड जवाब दिया है। भारत ने चीन को दो टूक कहा है कि यह पूरी तरह से चीन पर निर्भर करता है कि वो संबंधों को किस दिशा में ले जाना चाहता है। विक्रम मिस्री ने कहा कि अगर चीन शांति चाहता है तो एलएसी पर निर्माण करना बंद करें। उधर भारत ने भी तय कर लिया है कि लद्दाख से सिक्किम तक तैनाती बढ़ेगी। भारत की कड़ी चेतावनी। एलएसी में बदलाव की कोशिश हुई तो नतीजा भुगतने को तैयार रहना होगा। एलएसी पर तनातनी के बीच बीजिंग में भारत के राजदूत विक्रम मिस्री ने चीन को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि एलएसी पर सैन्य ताकत की मदद से जबरन यथास्थिति बदलने की कोशिश से न सिर्फ बॉर्डर पर शांति को खतरा होगा बल्कि इसका दोनों देशों के द्विपक्षीय रिश्तों पर भी असर दिखेगा। इसीलिए बीजिंग को पूर्व लद्दाख में अपनी गतिविधियों पर लगाम लगाना चाहिए। चीन में भारत के राजदूत विक्रम मिस्री ने बड़े ही आसान शब्दों में चीन को समझाया है कि वो सपनों से बाहर आए और हकीकत का सामना करे। चीन को विक्रम मिस्त्री ने समझाने की कोशिश की है कि वो एलएसी की मर्यादा को समझे, बातचीत का आदर करे, तभी सरहद पर शांति होगी, वरना जवाब इस बार और करारा मिलेगा। भारत के तेवर अब तक जमीन पर नजर आ रहे थे लेकिन अब कूटनीतिक वार्ता में भी दिखाई देने लगे हैं। चीन में भारत के राजदूत ने कहा है कि अगर माहौल यही बना रहा तो संबंधों पर भी असर पड़ सकता है। द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति के लिए सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना अनिवार्य शर्त है। जमीनी स्तर पर चीनी सेना की कार्रवाई ने द्विपक्षीय संबंधों में विश्वास को काफी ठेस पहुंचाई है। चीन को भारतीय सेना के सामान्य गश्त में अवरोध और बाधाएं उत्पन्न करना बंद करना चाहिए। जाहिर है अब भारत चीन की हर खतरनाक चाल और साजिशों को अच्छे से समझ रहा है, इसीलिए एलएसी पर अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। तैयारी इस कदर है कि चीन का एक जवान होगा तो हमारे 9 जवान तैनात होंगे। लद्दाख में आईटीबीपी और लद्दाख स्काउट के जवानों की संख्या बढ़ाई जा रही है। अब तक आईटीबीपी ऑपरेशन ड्यूटी के तहत भारतीय सेना के साथ अटैच थे लेकिन अब आईटीबीपी के जवानों की अतिरिक्त तैनाती शुरू हो गई है। उत्तर पूर्व लद्दाख ही नहीं बल्कि दक्षिण पूर्व लद्दाख में भी चीन की कोशिश है कि वो भारतीय सीमा में घुसे, लेकिन आपको बता दें कि चीन की हर एक हरकत पर भारत की नजर है और यही वजह है कि चाहे वो डेमचोक हो या फिर चुमूर का इलाका हो, भारतीय सेना यहाँ पर तैयार है। चीन की हरकतों के बाद अब सवाल सिर्फ गलवान वैली या पेंगोंग झील पर ही चीनी खुराफातों का नहीं है बल्कि चीन को हर ठिकाने पर ठिकाने लगाने की तैयारी भारत ने कर ली है। चाहे डेपसांग हो या फिर दौलत बेग ओल्डी, चीन की जालिम नजर सियाचिन पर भी है और कराकोरम दर्रे पर भी भारतीय फौजियों ने हर मोर्चे पर अपनी आंखें गड़ा ली हैं। बाईस जून को हुई कोर कमांडर लेवल मीटिंग में चाइनीज पीएलए ने कहा था कि वो अभी भी चाइनीज कंट्रोल लाइन से करीब 800 मीटर पीछे गलवान इलाके में था। पेट्रोलिंग के दौरान लोकेशन से सिर्फ 100 से 150 मीटर ही चीनी सैनिक आगे आए थे, जबकि सैटेलाइट तस्वीर को देखने के बाद साफ पता चलता है कि चीनी सैनिक चाइनीज स्टेटस को बदलना चाहते थे। चीन पेट्रोलिंग प्वाइंट 14 पर बैठना चाहता था, इसलिए भारी संख्या में एलएसी के पास सैनिकों को जुटा लिया था। 15 जून की झड़प के बाद हिंदुस्तान ने तय कर लिया है कि अब सरहद को लेकर कोई समझौता नहीं होगा। लद्दाख में भारत की सैन्य शक्ति देखकर बीजिंग बौखला गया है, इसलिए इस बार भारत की सेना बॉर्डर पर दीवार बनकर खड़ी है। लद्दाख में एलएसी पर तनाव बरकरार है और अब किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार हो चुका है।
लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के हालात